हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके क्लास 9 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वन शॉट वीडियो। इस पूरे चैप्टर को बच्चों ख़त्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है? एंड बच्चों, मैं गारंटी देती हूँ इस पूरे चैप्टर को करने के बाद जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कि आपको इसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। हम सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को, ठीक है? सो सबसे पहले बच्चों हम नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ठीक है? तो हम बच्चों लास्ट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? लास्ट से। कि वेरिएबल्स, ये वेरिएबल क्या बोला है बच्चों? अगर आपने पॉलीनॉमियल चैप्टर पढ़ा हो तो आपको याद हो हमने उसमें वेरिएबल्स पढ़ा था। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है पॉलीनॉमियल्स की और रियल नंबर्स की, तो आप देख सकते हैं, वन शॉट वीडियो आ चुकी है, ठीक है? तो बच्चों वेरिएबल के बारे में समझते हैं। जिस बच्चे ने देख लिया अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि वेरिएबल होता क्या। बच्चों वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू चेंज करता है, ठीक है? हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट्स को, अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लो एक्स, क्या दे रखा है हमें? एक्स, ठीक है? वाई, ठीक है? एक्स वाई जेड टी यू वी एस, ठीक है? ये सारे बच्चों हमारे क्या है? वेरिएबल है। क्या है बच्चे हमारे? वेरिएबल्स। ये अपने हर क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं। क्या करते हैं? हर क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? वेरिएबल का मतलब बेसिक मीनिंग होता है वेरी करना, और वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है? समझ आ गया वेरिएबल, ठीक है? अब बात आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बच्चों इक्वेट, मैं देखो ये तुम्हारे सारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है? अब अगर बात आई हमारी किसकी? इक्वेशन की। किसकी बात आई बच्चों? इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या है ये हमारा? इक्वेशन बच्चों कुछ भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन पता है? एक्सप्रेशन बच्चों हमने पॉलीनोमियल में पढ़ा था, ठीक है? एक्सप्रेशन जैसे मान लो हमें दे रखा है 2x + 3y, ये हमारी क्या बच्चों? एक्सप्रेशन है। अगर इसी बात को मैं किसके इक्वल कर दूँ? जीरो के इक्वल कर दूँ, तो ये मेरी क्या बन जाती है बच्चों? क्या बन जाती है? मेरी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है? मतलब बेसिकली इक्वेशन का मतलब है जो जीरो के इक्वल हो, जो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल हो, वही क्या होती है बच्चों? हमारी इक्वेशन होती है। क्लियर बात, ठीक है? जो जीरो के इक्वल होती है वही हमारी इक्वेशन होती है। LHS इक्वल्स टू में RHS, ठीक है? अब इक्वेशन भी हमें समझ आ गई जो जीरो के इक्वल होती है, ठीक है? वेरिएबल्स हमने पढ़ ली। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चों हमारा है लीनियर। क्या है? लीनियर। ये लीनियर क्या है? लीनियर बच्चों ये भी हमने पॉलीनॉमियल में सब कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? लीनियर के बारे में, कोई वेरिएबल है मान लिया मैंने एक्स है, ठीक है? वेरिएबल है। इसकी डिग्री जो है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है बच्चों कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, जब भी वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लीनियर। जिसकी हाईएस्ट पावर या बोलो डिग्री बोलो, वो क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 होनी चाहिए। तो क्या कहलाते हैं हमारा? लीनियर, ठीक है? इसके आगे ही पढ़े थे, ठीक है? तो अभी हमें बस ये पढ़ना है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स की बात हुई, किसके वेरिएबल्स की बात हुई? दो वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। मान लो एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन हो गया, ई वी और एक्स का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है? वाई और टी का कॉम्बिनेशन हो गया। किसी भी दो वेरिएबल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, अब देखो जरा। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। हम सीधा बात करें इक्वेशन की, कि ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी जो टू वेरिएबल में होगी, ठीक है? ये हम सब पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको रिवाइज करने के लिए पढ़ाया है, ठीक है? अब देखो जरा, इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c इक्वल में 0, किस फॉर्म में होती है बच्चों? ax + by + c इक्वल में 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो x है और एक क्या है बच्चों? y है। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल, ठीक है? एंड बच्चों ये ABC क्या है? ABC बच्चों यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। ABC कॉन्स्टेंट, ये हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं बच्चों? रियल नंबर्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। अब बच्चों ABC हमें पता है रियल क्या है बच्चों? रियल नंबर्स है। और एक कंडीशन होती है कि a ≠ 0, b ≠ 0। अब ये क्यों कंडीशन होती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर मान लो a 0 हो गया, क्या 0 हो गया बच्चों? a 0 हो गया तो मतलब 0 * x आएगा,
ठीक है, प्लस बी भी हमारा जीरो होगी तो बी इंटू में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, प्लस सी चल रहा है। अब ये भी जीरो प्लस सी इक्वल में जीरो। अब तो मेरे पास वेरिएबल ही नहीं बचे, वेरिएबल ही नहीं बचे बच्चों, तो मैं क्या कहूँगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का हुई। चलो मान लो मैंने एक वेरिएबल को जीरो ले लिया, मतलब सॉरी मैंने सिर्फ किसको जीरो लिया, बी वाई को, ए को जीरो ले लिया। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है ना कि सिर्फ ए जीरो हो, तो बी हमने कुछ भी नंबर ले लिया, बी को चलो ऐसे छोड़ दिया हमने, बी ऐसे छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब ए जीरो हो गया तो अब ये क्यों नहीं रहेगी, यहाँ पर क्या हो गया जीरो, यहाँ क्या हो गया बी वाई प्लस सी इक्वल में जीरो। अब ये बच्चों सिर्फ एक वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई, कितने वेरिएबल वाली, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल वाली। यहाँ पर कितना बचा, एक ही वेरिएबल बचा, ठीक है, और सी हमारा बी, और सी हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ना हमारा ए जीरो। अगर मान लो बी जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया बच्चों, बी, ए हमारा ऐसे लिखा है प्लस जीरो इंटू में वाई प्लस सी, ठीक है, ए एक्स। अब एक की बार ये जीरो हो गया, अब की बार बच्चों ये हमारा जीरो हो गया, तो अब बचा सिर्फ एक वेरिएबल, कितना बचा, फिर से वही एक वेरिएबल बचा, तो इसलिए बच्चों ना हमारा ए जीरो होना चाहिए, ना हमारा बी जीरो होना चाहिए, ना दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर, चलो इतनी बात आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आगे, ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे टू वेरिएबल्स, और ये हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होगी, तो देखो जरा ए एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो, ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल हो सकती है, सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर इसी चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख दूँ तो ये भी क्या हो सकती है बच्चों, मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो सकती है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख दूँ तो ये भी क्या हो सकती है बच्चों, मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं बच्चों क्या बोल रखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में जीरो। ये सारे हमें कुछ दे रखे हैं, कुछ कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, हमें किसके फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले इसकी फॉर्म में करके कन्वर्ट करना है, क्लियर, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। अब किसकी वैल्यू पता निकालनी है, किसको इंडिकेट करना है बच्चों, ए बी सी की वैल्यू। सबसे पहले कंडीशन गिवन है कि हमें पहले किसकी फॉर्म में करना है, इसकी फॉर्म में करना है, फिर ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, क्लियर। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। सबसे पहला क्या बोल रखा है, थ्री इक्वल में टू एक्स प्लस वाई, क्लियर, ये हमें गिवन है, ये हमको गिवन है, सबसे पहले हमें इसके फॉर्म में करना है। अब ज़रा देखो सारी चीज़ें मेरी किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड पहुँचा देती हूँ, सबको इधर पहुँचाता हूँ, या एक काम करना है, चलो या हमें एक काम करते हैं, इसको इधर पहुँचा दो, थ्री को इधर पहुँचा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। कोशिश करना कि एक्स और वाई पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कोशिश करना, अगर नहीं हो सकते तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो मैं क्यों उठा के उधर नेगेटिव में लेके जाऊँ, इसलिए मैंने क्या करा, प्लस का थ्री इधर आके क्या हो गया, माइनस का थ्री। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, बात इधर लिखो इधर लिखो, है तो जीरो के इक्वली। ठीक है, अब जब मैंने ये लिख दिया तो यहाँ से अब मैं पता लगा सकती हूँ बच्चों, अब मैं ये पता लगा सकती हूँ कि मेरा ए बी सी क्या होगा। ये मुझे इसकी तरह दिख रहा है कुछ, देखो ज़रा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में जीरो। ठीक है, अब एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो हमारा ए टू क्या है, ए होता है, एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है, क्या है एक्स के साथ कांस्टेंट बच्चों, यहाँ पर टू है, तो ए क्या हो गया मेरा, यहाँ पर टू हो गया, ए क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर टू हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू टू आ गई। अब ज़रा बी को देखो बच्चों, जब इसके साथ कुछ नहीं है, देखो ज़रा, अगर मैं इसको ये बात लिख सकती हूँ, वन इंटू में वाई, वन इंटू में वाई करोगे वाई आएगा। ठीक है, तो बस मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा दिया, जब भी कुछ ना हो तो क्या लगा देना, वन लगा देना। ठीक है, अब जो वाई के साथ होता है वो बी होता है, तो यहाँ पर वाई के साथ बच्चों क्या है, वन, तो बी क्या आ गई, वन आ गई। अब सी, सी अकेला होता है तो सी क्या हमारा, माइनस थ्री, तो साइन भी साथ साथ आपको लेके चलना है। ठीक है, चलो अगर नहीं समझ आया तो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो और क्लियर हो जाएगा बात। आओ ज़रा सेकेंड में क्या दे रखा है, थ्री एक्स माइनस एट इक्वल में फाइव वाई। ठीक है, अभी प्लस का फाइव वाई इधर आएगी और क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ले जाओ इधर, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस एट इक्वल में ज़ीरो। ठीक है, इसी फॉर्म में करना पूरा, इसी फॉर्म में हमने कर दिया। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता लगा लो,
क्या करोगे, ए बी सी, तो ए बच्चों क्या हो जाएगा थ्री, बी अगर मैं किससे पूछूंगी तो क्या होगा, जो वाई के साथ होता है वो बी होता है, तो माइनस का फाइव है, ठीक है। अगर सी पूछूं मैं आपसे तो सी क्या होगा बच्चों, माइनस का एट, सी क्या होगा बच्चों, माइनस का एट, क्लियर, ठीक है। जो एक्स के साथ होता है वो ए होता है, जो वाई के साथ होता है बी, और जो अकेला बच्चों कॉन्स्टेंट बच्चा वो हमारा सी है, ठीक है। चलो इसी बात पर बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आओ सर क्या बोल रहेगा, थर्ड पार्ट एक्स इक्वल में फोर वाई, एक्स इक्वल में बच्चों फोर वाई। अब जरा देखो इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, ये प्लस का वाई रहेगा कितना हो जाएगा माइनस का वाई, तो कर दो इस फॉर्म में एक्स माइनस का फोर वाई इक्वल में जीरो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो इस फॉर्म में है ही नहीं, सी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों। ये कंडीशन नहीं थी कि सी जीरो इक्वल होगा तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगी। अगर सी जीरो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर सी है ही नहीं तो सी क्या होगा, जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे सीधा हम क्या बताएंगे, ए बताएंगे, ए बच्चों फिर से वही, इसके साथ कुछ नहीं तो मैं क्या लगा देती हूँ वन, ठीक है, वन, ए क्या आ गया वन आ गया। बी बच्चों क्या इतना है मेरा माइनस का फोर, जब सी नहीं है तो सी क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, क्या हो जाएगा सी हमारा जीरो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम फाइंड करते हैं ए बी सी, पहले उसको इस फॉर्म में करो फिर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो, ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। चलो इसी बात पे आगे बढ़े फिर से भैया, ठीक है, इसको हमें क्या करना है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में करो, फिर बच्चों क्या करो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो आओ जरा फोर्थ पार्ट पे, किस पे आएंगे बच्चों, फोर्थ पार्ट पे क्या है, एक्स अपॉन में थ्री माइनस वाई बाई टू इक्वल में फाइव। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे पहले इसका एलसीएम लेंगे, सिंपल सिंपल, थ्री टू ज़ा सिक्स, ये आ गया टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल में फाइव। अभी जो सिक्स है डिवाइड ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में फाइव इंटू में सिक्स, कितना हो जाएगा थर्टी, प्लस का थर्टी इधर आके पटक दो क्या हो जाएगा माइनस का थर्टी, ठीक है। ये आ गई बच्चों हमारी इक्वेशन, क्या आ गई बच्चों हमारी इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, सो हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों ए बी सी की वैल्यू। और जरा ए की वैल्यू बच्चों क्या होगी टू, ठीक है, फिर बी की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चों बी की, तो बी के साथ क्या है बच्चों वाई के साथ क्या है माइनस थ्री, तो बी हमारा माइनस थ्री हो जाएगा, सी कितना है बच्चों माइनस का थर्टी, से आ गई हमारी सारी वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। चलो आते हैं फाइव पे, कितना दे रखा है फोर वाई माइनस थ्री, ठीक है। अब ये प्लस का इधर आया कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है, कितना है माइनस का, ये हम ये काम भी कर सकते थे कि इसको यहाँ पर पहुँचा दो, ठीक है, फिर वाई माइनस का हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, ठीक है, प्लस फोर वाई माइनस थ्री इक्वल में कितना आ गया बच्चों ज़ीरो, ठीक है। अब ज़रा देखो एक्स क्या है मेरा, एक्स के साथ बच्चों क्या है मेरा, ए क्या है मेरा माइनस रूट टू, बी की अगर बात करो तो फोर, और सी की अगर बात करो तो माइनस का थ्री, सो ये हो गए बच्चों मेरे आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे सिक्स, अब पाई एक्स प्लस वाई इक्वल में सिक्स, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल में सिक्स, प्लस का सिक्स से इधर आए कितना हो जाएगा माइनस का, ये आ गया पाई एक्स प्लस वाई माइनस का सिक्स इक्वल में कितना आ गया जीरो, ठीक है। अब x के साथ जो होता है वो क्या होता है a होता है, ठीक है, तो x के साथ हमारा क्या है पाई है, तो पाई ऐसे ही लिख दो, ठीक है। y के साथ बच्चों कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगी वन, और c क्या हो गया माइनस का सिक्स, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर बच्चों। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो हमसे बोल रखा है आप कि हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, टू वेरिएबल्स की है, देन अ पेयर ऑफ वैल्यूज वन फॉर एक्स वन फॉर वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात करी गई, सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों जरा ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन बोल रखा है एक्स इक्वल में अल्फा वाई इक्वल में बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, देन वी से दैट द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा एंड बीटा इज सॉल्यूशन। मतलब मान लो मुझे ना एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में जीरो, ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। अब मैं सॉल्यूशन की क्या बात करूँगी, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट करती हूँ, मान लो मैंने अल्फ़ा पुट कर ली, एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर ली बच्चों अल्फ़ा, और वाई की जगह मैंने पुट कर लिया बीटा,
ठीक है, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू मैं अल्फा पुट कर रही हूँ और वाई की वैल्यू मैं बीटा पुट कर रही हूँ। जब मैं पुट कर रही हूँ तो ये मेरा सेटिस्फाई करा, सेटिस्फाई का मतलब कि मेरा एल एच एस इक्वल्स टू में क्या हो रहा है, आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू में क्या हो रहा है बच्चों, आर एच एस हो रहा है। जब ये कंडीशन हो जाए तो ये दोनों जो नंबर है मेरे अल्फा और बीटा मेरे क्या कहलाएंगे बच्चों, इसके क्या कहलाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल में 4, ठीक है, ये मैंने लिया। अब मुझे ऐसे इसके सॉल्यूशन चाहिए जो एल एच एस इक्वल्स में क्या हो जाए, आर एच एस, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए और वाई की ऐसी वैल्यू चाहिए कि एल एच एस इक्वल्स में क्या हो जाए, आर एच एस, इन दोनों को ऐड करके या जो भी करके 4 आ जाए, ठीक है, मतलब ऐड करके। अब मान लो मैंने क्या लिया, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 2, ठीक है, वाई की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 2। अब देखो 2 और 2 क्या हो गया, इक्वल्स टू में 4, इक्वल आ गया, आ गया। तो बच्चों 2 और 2 क्या है बच्चों, इसके सॉल्यूशन से और भी वैल्यूज हो सकती हैं, और भी ले लो, ये हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू बच्चों 4, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। अब 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, और भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू बच्चों 0, ये रख के भी बच्चों क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ले जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली, मैं ले लेती हूँ 20, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने 20 ले ली और वाई की वैल्यू बच्चों मैंने ले ली माइनस का 16, क्या ले ली, माइनस का 16। अब अगर इस कंडीशन को हम पुट करेंगे यहाँ पे 20 या प्लस माइनस 16, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20 में 16 क्या बच्चे कितना, 4। बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों ऐसे, 34 माइनस 30 भी हो सकता है, 34 में 30 गए बच्चा क्या, 4, ठीक है। सो बस ये कहानी थी ये समझाने की, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिया कि एल एच इज इक्वल्स में क्या हो जाए, आर एच एस हो जाए, अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, चलो आओ जरा। शो दैट एक्स इक्वल में 3 वाई इक्वल में 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें शो करना है कि इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। देखो जरा एक्स की वैल्यू बच्चों हमें क्या दे रखी है, 3 गिवन जो है हमको, ठीक है, वाई की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 3y इक्वल में बच्चों कितना है, 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, कर दो जरा, 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 2, ठीक है, इक्वल में 12। यह मान लो अभी तो हम किसको लेके चलते हैं, LHS को, किसको लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल, LHS को, क्योंकि LHS इक्वल्स टू में RHS करना है, ठीक है। अब कर दो 2 3 6 और 3 2 6, तो कितना आ गया बच्चों, 12। तो देख लो हम LHS को लेकर चल रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12। सो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं बच्चों कि मेरा LHS इज इक्वल्स टू किसके हो गया, RHS के हो गया, ठीक है, बस यही करना था इसमें, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, चेक ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करना है, अब की बार हमें चेक करना है, उसमें हमें शो करना था, अब हमें चेक करना है इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, ओके। तो चलो बच्चों इसी बात पे हमें जो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि x माइनस 2y इक्वल बच्चों कितना गिवन है, 4। सॉल्यूशंस क्या गिवन है, 2, 0। अभी 2, 0 सबसे पहले बच्चों हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि हमारा x होता है और ये हमारा क्या होता है, y होता है। तो x और y की वैल्यू पुट कर दें, x हमें 2 दे रखा है और y हमें बच्चों कितना दे रखा है, 0। पुट कर दो, ये आ गया 2 माइनस का 2 इंटू में, और हम किसको लेके चल रहे हैं, LHS को, ठीक है, 0। ये आ गया 2 माइनस का 0, तो बचा क्या, 2। अब बताओ मुझे 4 और 2 इक्वल होता है, नहीं होता, ठीक है, 2 डज नॉट इक्वल्स टू 4। सो हम यहाँ पर बात कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सो जो 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, लिख दो 2, 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, क्लियर बात, चल ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बच्चों, और भी हमें सॉल्यूशन दिए गए हैं। देखो जरा 4√2 और √2 बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि √2 आ गया अब हम कैसे सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा हलवा सवाल है बच्चे,
देखो जरा x माइनस टू वाई इक्वल में फोर, वही चीज़ें रखी आपकी बार हमारे सॉल्यूशंस बदल गए, आपकी बार हमारे सॉल्यूशंस बदल गए, क्या दे रखे हैं फोर रूट टू और कॉमा रूट टू, ठीक है। ये मेरा x है और ये मेरा क्या है बच्चों y है, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू जो है वो फोर रूट टू है और y की वैल्यू जो है बच्चों कितनी है रूट टू है। सो मुझे बस क्या करना है, पुट करके देखना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हम किसको पकड़ेंगे, एल एच एस को पकड़ेंगे, x माइनस टू वाई, एक्स की वैल्यू क्या है फोर रूट टू माइनस टू इंटू में रूट टू, क्लियर, ठीक है। ये आ गया फोर रूट टू माइनस का टू रूट टू। अब जब ये होता है क्या, रूट सेम होते हैं तो बच्चे माइनस हो जाते हैं रैशनल नंबर से, फोर में से टू गए बच्चों कितना आ गया टू रूट टू। अब जरा मुझे बताओ ये फोर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। सो बच्चों यहाँ पर एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। सो बस यही हमें कहानी बतानी थी इसमें। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिक्स डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमें खुद से इसे सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। इससे पूछ लेगा पांच सॉल्यूशंस बताओ, चार सॉल्यूशंस बताओ, दस सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, सबसे पहली बात जो हमें गिवन है बच्चों लीनियर इक्वेशन वो क्या गिवन है, एक्स प्लस में टू वाई इक्वल में सिक्स, ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सो बच्चों इसमें हम कैसे करेंगे, ज़रा देखो हम क्या करते हैं, ये प्लस का टू आया कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। ये नहीं कि 100 पुट कर दी, छोटे छोटे नंबर पुट करना ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो, रख सकते हो आप 100 भी, बहुत सारे नंबर्स रख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि छोटे छोटे नंबर्स रखो ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ज़रा देखो y की वैल्यू मैं क्या रखती हूँ, जीरो रख के देखती हूँ, y की वैल्यू मैं जीरो रख के देखती हूँ, रखो सिक्स माइनस का टू इंटू में ज़ीरो, आ गया क्या सिक्स माइनस ज़ीरो, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई सिक्स आ गई। अगर मैं इन दोनों को इस पर रख के देखूंगी ना तो बच्चे इसका सॉल्यूशन बनेंगे, मतलब एल एच एस इक्वल टू में क्या होगा आर एच एस। देखो पुट करके देख लेते हैं, वैसे पुट करके दिखाना नहीं है फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, सिक्स प्लस में टू इंटू में ज़ीरो, ठीक है। यहाँ बच्चों कितना है हमारा सिक्स है ना, ठीक है, ये आ गया हमारा सिक्स, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा ज़ीरो, तो देख लो सिक्स इसके इक्वल आ गया, सिक्स इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वाई की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हो फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, वाई की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्लियर। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। पहला सॉल्यूशन ये हो गया, छह सॉल्यूशंस निकालना है, तो वाई इक्वल में क्या पुट करते हैं वन, पुट करो जरा एक्स इक्वल में सिक्स माइनस का टू इंटू में वन, छः माइनस का दो, बच्चों कितना आ गया एक्स की वैल्यू चार, तो दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। पहला दूसरा, अब आते हैं तीसरे पे, वाई की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी रखोगे माइनस वन रख लो, ठीक है माइनस वन रख लो, कितनी रखोगे प्यारे बच्चों माइनस वन, ठीक है रखो जरा इसमें पुट करते हैं x इक्वल में सिक्स माइनस का टू इंटू में माइनस वन, ठीक है। ये आ गया छः माइनस माइनस प्लस छः और दो बच्चों कितना आ गया आठ, तो x की वैल्यू माइनस वन, तो एक्स सॉरी एक्स y की वैल्यू माइनस वन और x की वैल्यू आठ, ठीक है। आओ फोर्थ सॉल्यूशन पे, अब y की वैल्यू बच्चों क्या रखूँ मैं, क्या रखूँ मैं, क्या रखूँ मैं, तीन रख दो, क्या रखोगे चलो दो रख दो, ठीक है दो रख दो, क्या आ गया x माइनस का सिक्स माइनस का टू इंटू में टू, इसी इक्वेशन को पकड़ के चल रहे हैं बच्चों, इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को, ठीक है इसी इक्वेशन में सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। आओ जरा टू टू ज़ा फोर, छः में से चार गए दो आ गया, मतलब x की वैल्यू भी टू और y की वैल्यू भी टू, ये आ गया हमारा चौथा सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस पे आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, अब आते हैं बच्चों फिफ्थ सॉल्यूशन पे, y की वैल्यू थ्री रख दो, क्या रख दोगे थ्री रख दो, रख दी मैंने, चलो रखो ज़रा सिक्स माइनस का टू इंटू में थ्री, ठीक है तो सिक्स थ्री टू ज़ा सिक्स, तो कितना आ गया एक सी वैल्यू जीरो आ गई, कितनी आ गई एक सी वैल्यू जीरो, तो पांचवा सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। छठे पे आते हैं लास्ट पे, क्या रखोगे माइनस टू रख दो, क्या रखोगे बच्चों माइनस का टू, ठीक है
एक्स इक्वल में सिक्स माइनस का टू इंटू में माइनस का टू। अब ज़रा मुझे बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टू टू ज़ा फोर, छः और चार कितना हो गया दस। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, टेन आ गई, कितनी आ गई टेन। सो ये थे बच्चों हमारे छः के छः सॉल्यूशन, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा ये रहा, छठा ये रहा। और भी हम निकाल सकते हैं, और भी वैल्यूज रख सकते हैं, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, जीरो भी, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ही होंगे सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल। बोल रखा है x दे रखा है, y दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या है बच्चों, निकालना क्या है, हमें निकालना है k की वैल्यू। क्या निकालना है बच्चों, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देखो और बोल रखा है कि इसकी सॉल्यूशन है, ये हमें गिवन है कि इसके सॉल्यूशंस हैं। मतलब अगर मैं इन दोनों की x और y की वैल्यू यहाँ पर रखूँगी तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को, मतलब एल एच एस इक्वल्स में क्या आएगा, आर एच एस, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात जो हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन हमको क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूँ तो x की वैल्यू टू के माइनस का वन, ठीक है। y की वैल्यू बच्चों k गिवन है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या गिवन है, थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस सेवन इक्वल में जीरो, ये गिवन है। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, इक्वेशन को पुट, मतलब x और y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, k की वैल्यू आराम से आ जाएगी, ठीक है। देखो देखो आराम से पुट करो यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है, टू के माइनस वन, y की वैल्यू k है माइनस का सेवन इक्वल में जीरो। मल्टीप्लाई करो इसकी इससे, एक बार इसकी इससे, ये आ जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स के, और प्लस माइनस माइनस, और थ्री वन ज़ा थ्री, ठीक है। ये आ गया माइनस का फाइव के माइनस का सेवन इक्वल में कितना आ गया, जीरो, ठीक है। अब ज़रा देखो छः में से पाँच गए बच्चों के, सात और तीन बच्चों माइनस दस इक्वल में कितना आ गया, जीरो। माइनस का टेन उधर है कितना हो जाएगा, प्लस का टेन, तो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, टेन आ गई। के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, टेन आ गई। सो हमें बस यही निकालना था। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी दे देगा, वाई की वैल्यू कुछ भी दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, के की वैल्यू निकालो, ए भी दे देगा, ए भी दे देगा, मतलब के की जगह ए या कुछ भी वैल्यू कुछ भी दे देगा, ठीक है। सो बस ऐसे ही फाइंड करना है, क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करो, जीरो के इक्वल को आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, ठीक है। जरा देखो आगे देखते हैं, बोल रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, यूजिंग ग्राफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल में टू एक्स इक्वल में माइनस थ्री। हमें बताना है कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करो सबसे पहली बात, ठीक है। और क्या करना है, और वाई की वैल्यू फाइंड करो जब एक्स इक्वल में टू होगा और एक्स इक्वल में क्या होगा, माइनस थ्री, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल में जीरो, ठीक है। अब बच्चों x की वैल्यू क्या रखनी है, टू रखनी है, तो टू रख दो x की वैल्यू, ठीक है। और y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो टू इंटू में टू माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल में जीरो, टू टू ज़ा फोर। एक काम करो माइनस वाई उधर आए कितना हो जाएगा, प्लस वाई उधर पहुँचा दो, ठीक है। चार तीन सात, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, सात आ गई, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस थ्री रखनी है, तो माइनस थ्री रख दो x की वैल्यू, देखो टू इंटू में माइनस थ्री माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल में जीरो, ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस माइनस माइनस प्लस छः, माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस वाई, माइनस छः प्लस तीन कितना बचा, माइनस थ्री। तो वाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का थ्री, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ऐसे हमने x की वाई की वैल्यू निकाली जब हमें x ही बनता। तो बच्चों यही यही x और y की हेल्प से मैं क्या कर देती हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। देखो जरा हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड। चलो देखो ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम दो लाइंस बनाएंगे, ठीक है, दो लाइंस बनाएंगे, यहाँ वन आएगा, यहाँ टू आएगा, यहाँ थ्री आएगा, यहाँ फोर आएगा, यहाँ फाइव आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा माइनस वन, यहाँ आएगा माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है, यही सब है, ठीक है। अब ज़रा देखो ऊपर पहुँचाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। यहाँ ज़ीरो आता है बच्चों, यहाँ नेगेटिव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है ठीक है।
ये बीच में हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारी एक्स इन्फिनिटी मत लिखो यहाँ पे, ये हमारी एक्स और वाई है। क्या है बच्चों हमारी, ये एक्स एक्सिस है और ऊपर वाली क्या है बच्चों हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब जरा हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक तो 2 गिवन है, 7 माइनस 3 और माइनस 3, इसके अलावा और भी ले सकते हैं, ये दो भी काफ़ी हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से तसल्ली से, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 7, एक्स एक्सिस ये रही, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। ठीक है, देखो 2 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अब y कितना है 7, तो y 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे जाएंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, देखो 2 ये रहा और 7 ये रहा, तो बच्चों जो कोऑर्डिनेट आएगा, जो हमारा पॉइंट आएगा, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा वाला, x की वैल्यू क्या है माइनस 3 एंड y की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 3, दोनों माइनस 3 मतलब x माइनस 3, तो x माइनस 3 इधर की तरफ है। ठीक है, x माइनस 3 बच्चों किधर की तरफ है, इधर की तरफ, ये रहा माइनस 3। ठीक है, और y माइनस 3 किधर की तरफ है, ये रहा, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर ना ये यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों लाइन को, इन दोनों लाइन को बच्चों क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है, और ये आ गई हमारी लाइन, ये बन गया बच्चों हमारा ग्राफ। ठीक है, आप दो पॉइंट भी ले सकते हैं, तीन पॉइंट भी ले सकते हैं, चार पॉइंट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मुझे ऑलरेडी पॉइंट हमने निकाल रहे थे तो हमने इसी से ग्राफ बना लिया, इसके अलावा भी पॉइंट्स ले सकते हैं आप। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो वाई खुद निकल जाएगा, वाई की वैल्यू कुछ भी ले लो एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी के हेल्प से यहाँ पर हमने यह ग्राफ बना दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है दे आर टू स्केल्स, एक काम करते हैं, इससे पहले करने से पहले एक आपको कुछ समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें ना इक्वेशन गिवन है 3x माइनस का y इक्वल में 2। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अच्छे से पॉइंट्स लेंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू मैंने ले ली 1, क्या ले ली x की वैल्यू 1, एक काम करो माइनस का वाई है उधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 ली तो कितना आ गया, 3 में से 2 का 1 आ गया, तो y की वैल्यू मुझे कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू में क्या ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, ले लो 2 तो कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करो 3 इंटू में 2 माइनस 2 इक्वल में y, 3 टू 6 माइनस 2 y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ली माइनस 1, क्या ली माइनस 1, माइनस 1 पुट करो 3 इंटू में माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया माइनस 3 और माइनस 2, y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का 5। ठीक है, ये हमने तीन पॉइंट ले लिए, तीन पॉइंट को हमें क्या करना है ग्राफ पे ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चों, ग्राफ पे ड्रॉ, देखो लाइन बनाएंगे, लाइन बनाई। ठीक है, अपने इस पॉइंट के हिसाब से रखना पॉइंट, ये नहीं कुछ भी मर्जी रख दिया। देखो जो हाईएस्ट है वो क्या है हमारा, वाई क्या है माइनस फाइव है। ठीक है, बस 5 तक ले लो, हाईएस्ट जो है वो हमारा 5 ही है, 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर भी 5 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी 5 तक ले जाओ, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5। यहाँ पर भी कितना देगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 5। क्लियर? ठीक है, तो चलो करते हैं, आओ सबसे पहले जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी क्या है बच्चों 1 है, तो x 1, x हमारा 1, ठीक है, x हमारा 1 यहाँ पर है। ठीक है, और y का 1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, ये रहा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 1, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर भी हमारा 1 है, अब x भी 1 है, x एक्सिस हमारी ये है और y एक्सिस हमारी है, तो x भी 1 y भी 1, तो कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x2 है y4 है, x2 x2 ये रहा, y4 आगे जाओगे तो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है बच्चों x माइनस 1 और y माइनस 5, x माइनस 1 ये रहा, y माइनस 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, सब ड्रॉ करेंगे लाइन तो यहाँ आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये आ गया इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों से पॉइंट प्लॉट करने हैं आपको, खुद निकाल के सारे पॉइंट्स फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
बोल रखा है देयर आर टू स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर. हमारे पास दो स्केल्स होते हैं मेजरिंग द टेम्परेचर, एक सेल्सियस होता है एक फेरेनहाइट होता है. ठीक है, अब बोल रखा है द रिलेशन बिटवीन टू स्केल्स इज गिवन बाय, जो रिलेशन है इन दोनों टेम्परेचर के बीच का वो ये है. ठीक है, एफ इक्वल में 9/5 C प्लस में 32. ओके, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर क्या दे रखो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, वॉट इज द टेम्परेचर इन फेरेनहाइट. मतलब सी बेसिकली हमें 0 दे रखा हो तो हमें फेरेनहाइट में टेम्परेचर बताना है. देखो तो हमें जो इक्वेशन है बेसिकली वो ये गिवन है. ठीक है, क्या गिवन है, एफ इक्वल में 9/5 C प्लस में 32. क्लियर, अब बच्चों गिवन है कि सेल्सियस की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, तो फेरेनहाइट की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फेरेनहाइट में क्या होगा. ठीक है, सो वैल्यू को पुट कर दो और गेट द आंसर. ठीक है, यहाँ में दे रखा है एफ इक्वल में 9/5 C कितना है बच्चों 0 है प्लस में 32 है. 0 की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, 0 आ गया बच्चा कितना प्लस 32. तो एफ की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आ गई 32. तो फेरेनहाइट में बच्चों कितनी आ गई 32 फेरेनहाइट, कितनी आ गई बच्चों 32 फेरेनहाइट. ठीक है, सो ये रहा बच्चों हमारा आंसर. इस तरह से आपको लिख के आना है. ठीक है, इस तरह से आपको लिख के आना है. ठीक है, चलो आगे आते हैं. बोल रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री, मतलब सी जो है हमारा 50 है. ठीक है, एंड द टेम्परेचर इन फेरेनहाइट बताना है. किसमें बताना है, टेम्परेचर इन फेरेनहाइट. जो हमारी इक्वेशन है वो ये है 9/5 C प्लस में 32, टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री है. ठीक है, अब C की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, F की वैल्यू आ जाएगी 9/5 × 50 प्लस में 32. ठीक है, इससे गया बच्चा 10, फिर आ जाएगा 90 प्लस में बच्चों कितना आ गया 32. क्लियर, ऐड कर दो ये आ गया 122. ठीक है, फेरेनहाइट में, किसमें आया फेरेनहाइट में, तो उसको लिखोगे कैसे 122 फेरेनहाइट. ठीक है, 122 फेरेनहाइट. ठीक है, क्लियर बच्चों, तो ये आ गया हमारा आंसर. क्लियर, चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब बोल रखा है इफ द टेम्परेचर, अब तक तो सेल्सियस में गिवन था, अब फेरेनहाइट में आ गया. फेरेनहाइट में मतलब अब हमें सेल्सियस में निकालना है, मतलब एफ की वैल्यू कितनी है 86 है. कितने बच्चों 86. क्लियर, चलो यहाँ आते क्वेश्चन, एफ इक्वल में 9/5 C प्लस में 32, एफ की वैल्यू बच्चों कितने गिवन है 86. सो हमें क्या निकालना है, सी हमको फाइंड करना है. ठीक है, देखो पुट कर दो कितना 86 इक्वल में 9/5 C प्लस में 32, प्लस का 32 इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 32, कितना आ गया 9/5 C माइनस कर दो, क्या करोगे माइनस, ये आ जाएगा 12 4 53. ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, जो डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में. ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, सी चल रहा है, काटो 6 टाइम एंड 5 6 30. सो हमारा जो टेम्परेचर आया इन सेल्सियस वो कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर. क्लियर, सो बस ऐसे ही करना है हमें सारे क्वेश्चंस को. आओ जरा अब की बार जो फेरेनहाइट का टेम्परेचर वो 0 हो गया, क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, तो हम कैसे करेंगे, एफ इक्वल में 9/5 C प्लस 32. क्या है बच्चों, एफ की वैल्यू 0 है, सो हमें क्या निकालना है, सी निकालना है. क्या निकालना है बच्चों, सी. ठीक है, पुट कर दो 0 9/5 C प्लस में 32. ठीक है, अब देखो प्लस का 32 इधर आके माइनस 32 हो जाएगा 9/5 C. ठीक है, एक काम करो इन दोनों को उधर ले जाओ, मतलब जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, 5 डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में. ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 5 × 10 15 160, कितना आ गया माइनस का 160 अपॉन में क्या चल रहा है 9 चल रहा है. ठीक है, इसको डिवाइड कर दो कितना से जाएगा 9 × 9 बच्चा हमारा ये आ जाएगा 637. ठीक है, पॉइंट हमारा बच्चा है कितना बच्चों 7, सो ये आ गया हमारा 8 और माइनस का किसका आया बच्चों माइनस का चल रहा है, तो माइनस का 17.8. सेल्सियस की वैल्यू आई है कितना टेम्परेचर आया -17 डिग्री सेल्सियस 17.8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्लियर, चलो
आगे बढ़ते हैं, बोल रखा है फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें क्या निकालनी है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ द सेम इन बोथ द स्केल्स। अब ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो दोनों ही स्केल्स पे क्या हो, सेम आए, मतलब एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर सेल्सियस पे भी सेम है और फ़ारेनहाइट पे भी सेम है। सो कैसे निकालेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनो। अगर मैं मान लो मैं एफ़ क्या कर दूँ, इक्वल में सी कर दूँ, एफ़ क्या कर दूँ इक्वल में, मतलब ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों पे इक्वल आ जाए। तो मैंने एफ़ इक्वल में क्या कर दिया, सी कर दिया, ठीक है। अब जो मेरी इक्वेशन है, जो रिलेशनशिप है वो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एफ की जगह सी लिख दो या सी की जगह क्या लिख दो, एफ लिख दो, वो आपकी मर्जी है। मैंने सी की जगह क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है, 32। अब ये प्लस का इधर है कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, इक्वल में 32। अब क्या करोगे इसका एलसीएम, क्या करोगे बच्चों, एलसीएम। यह आ जाएगा 5, ये आ गया 5f माइनस का 9f इक्वल बच्चों कितना चल रहा है, 32, क्लियर। माइनस कर दो कितना आ जाएगा, माइनस का 4f अपॉन में 5 इक्वल में 32। अब उधर कर दो, ये आ जाएगा ऊपर 5 और जो माइनस 4 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा कितना हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये आ गया 8 × 4 = 32, तो आ गया 8 × 5 और माइनस चल रहा है तो माइनस भी चलने दोगे, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 40। तो जो टेम्परेचर आया जो दोनों पे इक्वल होगा वो क्या होगा बच्चों, -40°, ठीक है। दोनों पे इक्वल होगा माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल है -40° क्या होगा, फ़ारेनहाइट में इक्वल होगा। देखिए -40° एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट पे भी इक्वल होगा और सेल्सियस पे इक्वल होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या कर दो, एफ इक्वल में सी कर दो, ठीक है। या ऐसी चीज़ों को इक्वल दिखाना है, मतलब कुछ भी दो चीज़ों को इक्वल दिखाना है तो उन दोनों को इक्वल करके फिर वो कंडीशन में सेटिस्फाई कर दो, क्लियर। चलो आते हैं बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, कर सकते हैं। क्या करोगे बच्चों, एफ को एक्स मान लो और सी को क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है। वैसे यहाँ गिवन है कि हमें सी को एक्स मानना है, सी को क्या मानना है, एक्स एक्सिस मानना है और वाई को क्या मानना है, एफ मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो, वाई क्या होगा हमारा इक्वल में 9/5 x प्लस में 32। बस क्या करना है आपको, यहाँ पर सॉल्यूशंस निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, ड्रॉ दी ग्राफ, ठीक है। चलो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। इसी बात पर बच्चों बढ़ते हैं आगे, यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है। यूजिंग दिस ग्राफ फिल इन द ब्लैंक गिवन ब्लू, ठीक है। वैसे ग्राफ से ये होगा नहीं, मतलब ग्राफ के हेल्प से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। देखो जरा क्या बोल रखा है कि हमें सी की वैल्यू कितनी गिवन है, -5, सी की वैल्यू -5 गिवन, 5 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। तो एफ बताना है, एफ क्या होगा, जरा देखो रिलेशनशिप क्या होता है, 9/5 c + 32, सी की वैल्यू कितनी गिवन है, -5 डिग्री, ठीक है। तो सी की वैल्यू पुट कर दो, 9/5 × -5 + 32 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये आ गया -9 प्लस में कितना आ गया, 32, ठीक है। 12 में से 9 गया 3, ये आ गया -23, क्या आ गया, एफ आ गया। तो मतलब -23 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो बस यही निकालना, तो यहाँ पर फिलिंग द क्या होगा, यह हो जाएगा -23, ठीक है। चलो इसी बात पर बढ़ते हैं आगे की तरफ, बोल रखा है 14 डिग्री 14 फ़ारेनहाइट, मतलब एफ की वैल्यू बच्चों क्या गिवन है, 14। तो हमें सेल्सियस में बताना है, किसे बताना है, सेल्सियस में, ठीक है। फिर से यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, कर दो 40 इक्वल में 9/5 + 32 + 32 इधर आए कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का, ठीक है। तो 14 - 32 इक्वल में 9/5 c, ठीक है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, ये बचा 2, ठीक है। क्रॉस 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 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आओ जरा, 32 ही चल रहा है ना, ये आ गया 5 और यहाँ पर क्या आ गया, 9, कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया, ठीक है। अब ज़रा देखो क्या करते हैं बच्चों, ये कट तो है नहीं रहा, एफ की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, ठीक है, और सी हमें निकालना है, तो प्लस का 32, ठीक है। तो इसको एक काम करो, पॉइंट में ले आते हैं, 9 + 27 बचा कितना, 1, तो आ जाएगा 3.3, इंटर में कितना आ गया, 5 आ गया, तो कर दो ज़रा, ये आ जाएगा 5 × 15 मल्टीप्लाई करो, 5 × 15 16.5, कितना आ जाएगा बच्चों, 16.5 डिग्री सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो बस यही निकालना था हमें। देखो यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 16.5। माइनस में तो नहीं है, माइनस में भी बच्चों किसमें, माइनस में चल रहा है, ठीक है, किसमें चल रहा है, माइनस में, माइनस में चलने दो, माइनस में चलने दो, ठीक है, माइनस में चल रहा है, क्लियर। सो बस हमें क्या करना था, यहाँ पर सी की वैल्यू की बनती है, फेरनहाइट निकालना था, फेरनहाइट की बने तो क्या निकालना है, सी निकालना है, तो कितना आ गया, माइनस 16.5, ठीक है। चलो ये बच्चों होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का आएगा, ठीक है। फेरनहाइट और सेल्सियस में इसमें कुछ कुछ वैल्यूज अलग पुट करके दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके यही बनेंगे। आपको फेरनहाइट की वैल्यू दे देगा, सी निकालना है, सी दे देगा, फेरनहाइट निकालना है, या आपको ग्राफ बनाने के लिए दे देगा, या आपको क्या दे देगा बच्चों, कि ऐसी वैल्यू बताओ कि क्या हो बच्चों, एक ऐसी वैल्यू जो दोनों पे इक्वल हो, सी पे भी, सेल्सियस पे भी और फेरनहाइट पे भी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है, द वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी, एक वर्क डन हुआ किस पे, बॉडी पे, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर एक कोई बॉडी खड़ी है, ठीक है, इसको धक्का दे रही है, इसको धक्का दे रही है, मतलब कुछ वर्क कर रही है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, दिस इज अ फॉर्म एन इक्वेशन, द कॉन्स्टेंट फोर्स इज अ 3 यूनिट्स ऑल्सो, ठीक है। हमसे बोल रखा है कि वर्क डन हुआ बॉडी पे, मतलब इस बॉक्स को इधर खिसका के इधर ले गया, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट फोर्स था वो कितना था बच्चों, 3 यूनिट्स था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बतानी है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज दिस। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं। देखो जरा ये वर्क डन है हमारा, वर्क डन को ऐसे रहने दो, ठीक है, वर्क डन को ऐसे रहने दो। हम ना क्या करते हैं, लेट द डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स यूनिट्स, क्या मान लेते हैं, एक्स यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने मान ली। अब जो मुझे फोर्स गिवन है, कितना, कांस्टेंट फोर्स कितना गिवन है बच्चों, कांस्टेंट फोर्स जो गिवन है वो कितना गिवन है, 3 यूनिट्स, कितना गिवन है, 3 यूनिट्स। लेट द वर्क डन को मैंने क्या मान लिया, W मान लिया, ठीक है। अब हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ज़रा देखो जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है वर्क डन का, अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो W इंटू में फोर्स इंटू में डिस्टेंस, क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, यही होता है। अब जब बच्चों W हमें कुछ दे ही नहीं रखा तो ऐसे लिख देंगे, फोर्स मुझे गिवन है, फोर्स क्या गिवन है बच्चों मुझे, और बोल रखा है, और बोल रखा है कि जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। जब वो कॉन्स्टेंट फोर्स लग जाता है तो वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा देखो ये कितने इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स के। अब मुझे एफ कितना गिवन है बच्चों, 3। ये आ गई मेरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी बच्चों मैं x को क्या मान लेती हूँ, w को क्या मान लेती हूँ, y भी मान सकती हूँ, ठीक है। तो y इक्वल है बच्चों कितना आ गया, 3, क्योंकि मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चाहिए, कितने चाहिए, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स में मेरी इक्वेशन आ गई। अब बोल रखा है आगे, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस, ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस है हमें एक बार 0 यूनिट दे रखा है और एक बार 2 यूनिट दे रखा है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मतलब y क्या होगा जब x 0 दे रखा और क्या दे रखा हो, 2 दे रखा, क्लियर। तो देखो एक बार बच्चों हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, ठीक है, तो हमें बताना है y हमारा क्या होगा, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पुट कर दो y इक्वल में 3 इंटू में 0, ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0 ही आ गई। जब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो मेरा y क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो फिर से, y इक्वल में 3 इंटू में 2, तो 3 2 जब बच्चों कितना आ गया, 6 आ गया, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। सो बस यही बताना, तो मेरा वर्क डन कितना है, एक बार 0 आया और एक बार कितना है, 6 आया। अब क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो जरा इन्हीं पॉइंट्स को भी हम ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को भी ले सकते हैं, इससे भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इन्हीं को ले लेते हैं, और अगर हमारा मन करे तो हम और भी ले लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और y कितना आया था, 6 आया था, ठीक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या गिवन थी, y इक्वल में 3x, तो x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है, क्या ले लेती हूँ, 3, या -3 ले लो, x की वैल्यू मैंने ले ली -1, ठीक है, पुट कर दो 3 इंटू में कितना आ गया, -1, तो कितने आ गई, y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, क्या करो, ग्राफ ड्रॉ देखो जरा,
यहाँ आया वन, यहाँ आया टू, यहाँ आया थ्री, यहाँ आया फोर, यहाँ आया फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। सिक्स भी है बच्चों, सिक्स भी है हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारा क्या है, सिक्स है, तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फाइव, ठीक है, और ये हो गया बच्चों सिक्स, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस का फोर, यहाँ हो गया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस का फोर, बीच में क्या आ गया बच्चों, जीरो, ठीक है। ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी कौन सी होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करने और कुछ नहीं करना, सबसे पहले x जीरो है, y भी जीरो, x जीरो है, y भी जीरो, एक ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पर x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो x2, x2 यहाँ पर है और y क्या है बच्चों, सिक्स है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम गए, ये आ गया पॉइंट, क्लियर, ठीक है। अब x माइनस वन है और y माइनस थ्री, तो कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब क्या करोगे, सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है, इसके ऐसे करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। सो ये आ गई बच्चों हमारी किस इक्वेशन की लाइन, ये कौन सी इक्वेशन थी, y इक्वल में 3x, ठीक है। तो ये आ गए बच्चों हमारे पॉइंट, अगर हम पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट थे, माइनस वन और माइनस थ्री, यहाँ आता जीरो कॉमा जीरो, और यहाँ कौन सा पॉइंट था बच्चों, टू कॉमा सिक्स, ठीक है। सो ये कर दिया बच्चों हमने ग्राफ ड्रॉ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे तरफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, कितना पॉइंट है, एक, तो हम इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो x क्या है बच्चों, फोर है, ठीक है, x फोर है, जब y कुछ नहीं दे रखा तो y को क्या मान लेंगे, जीरो, क्या मान लेंगे बच्चों, जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ वन टू थ्री फोर, यहाँ भी आ गया वन टू थ्री, यहाँ भी आ गया वन, माइनस टू, माइनस का थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस का थ्री, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स क्या है बच्चों, फोर, एक्स क्या है बच्चों, फोर, और वाई ज़ीरो, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब क्या कर दिए यहाँ से, सीधे स्ट्रेट लाइन, क्या कर दोगे, सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये वैसे स्ट्रेट लाइन गई नहीं है, ठीक है, क्या करनी है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इससे तो आएगी भी नहीं, उसी से ही आएगी, देखो देखो इससे आ जाए तो देखते हैं, इससे भी नहीं, ये तो हाइलाइटर है, इसी से करते हैं बच्चों, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, ये क्या आएगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन, तो किसकी लाइन है, एक्स इक्वल में फोर, तो ये आ गया बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट लाइन जाएगी। अगर मान लो इसी में क्या दे रखा होता, वाई इक्वल में फोर, तो वाई इक्वल में फोर, यहाँ पर पॉइंट आगे चला जाता, फोर यहाँ आता, कैसी लाइन आती, ऐसी लाइन आती, ठीक है, तो कैसी लाइन आती, ऐसी लाइन आती, किसके लिए, वाई इक्वल में फोर के लिए, ये आती वाई इक्वल में फोर के लिए, ठीक है। अगर मान लो एक्स इक्वल में थ्री, तो थ्री के स्ट्रेट आती, वाई इक्वल में टू, तो एक्स स्ट्रेट आती, क्लियर। चलो इसी बात पे पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो y इक्वल में क्या दे रखा है, थ्री दे रखा है, y इक्वल में बच्चों क्या दे रखा है, थ्री दे रखा है, तो वही ड्रॉ करेंगे कॉन्स्टेंट लाइन, ठीक है, कॉन्स्टेंट लाइन, ये वन, ये टू और ये थ्री, ये वन, ये टू, ये थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, फिर आएगा माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस का थ्री, ठीक है। ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन कहाँ से, थ्री से, y के कॉन्स्टेंट, ये आ गया हमारा। जब भी मान लो ये क्या दे रखा है, y इक्वल में थ्री, मान लो कोई हमें क्या दे रखा है, x का कोई पॉइंट दे रखा है, जब हमें x एक्सिस गिवन होगी, x एक्सिस का कोई पॉइंट गिवन होगा, तो पैरेलल बच्चों किसकी होगी, y के पैरेलल, वो किसकी होगी, y के। मान लो हमें y एक्सिस गिवन है, क्या गिवन है, y एक्सिस का कोई पॉइंट गिवन है, तो पैरेलल होगी बच्चों किसके, पैरेलल वो किसकी होगी, x के पैरेलल होगी, ठीक है, मतलब उल्टा होगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट गिवन है तो पैरेलल होगी y के, और y एक्सिस का गिवन होगा तो पैरेलल होगी x के। जैसे यहाँ पर y का दे रखा था, पैरेलल किसके बच्चों, x के पैरेलल है, ठीक है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, x गिवन था, तो x ये रही x की लाइन, ठीक है, x इक्वल में 4 की, तो पैरेलल किसके बच्चों, ये y के पैरेलल है, ठीक है। चलो सो ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल में माइनस टू, क्या है, x इक्वल में माइनस टू, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो जरा, x इक्वल में माइनस टू, यहाँ वन आ जाएगा, या टू आ जाएगा, या थ्री, या वन, या टू, या थ्री,
यह आ गया माइनस वन माइनस टू, ये माइनस वन माइनस टू माइनस का थ्री, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है बच्चों हमारी वाई एक्सेस। पैरेलल ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है, यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। तो पैरेलल किसके आ जाएगी बच्चों, वाई के पैरेलल आ जाएगी। किसके पैरेलल आएगी, वाई के पैरेलल। सो ये हो गया बच्चों इसका ग्राफ, किसका ग्राफ, वाई इक्वल है माइनस टू का, ठीक है। ठीक है, अब बोल रखा है बच्चों टू स्टूडेंट्स, ठीक है, टू स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, कंट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। बच्चों दो स्टूडेंट्स हैं जिसका नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ठीक है। अब बोल रखा है कि उन्होंने 100 रुपीज़ दोनों ने मिला के करे, ठीक है, जमा किए, और बोल रखा है किसके लिए जमा किए, टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड हुआ था अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई द अबव डाटा एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। क्या बतानी है बच्चों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बतानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बच्चों कुछ कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि 50 उसने दे दिए, 50 उसने दे दिए। बच्चों ये भी तो कंडीशन हो सकती है, 100 है ना, तो 80 प्लस 20 भी हो सकते हैं या 20 प्लस 80 भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें मालूम नहीं है वो कंडीशन क्या है, तो मान लेते हैं लेट द ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, उसने कंट्रीब्यूट करे है एक्स रुपीस, कितने कंट्रीब्यूट करे है एक्स रुपीस, ठीक है, उसने कंट्रीब्यूट करे है एक्स रुपीस, ठीक है। और जो बी स्टूडेंट है, लेट द बी स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड कितने रुपीस, वाई रुपीस, ठीक है। अब दोनों ने मिला के कितने कंट्रीब्यूट करे है, 100 रुपीस, कितने कंट्रीब्यूट करे है 100 रुपीस, ठीक है। ये तो बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब इसको हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल के बच्चों, पॉइंट निकाल के, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगी तो मेरा बड़ी बड़ी वैल्यूज रखते हैं इसमें, बड़ी वाली, क्योंकि 99 आ जाएगा, 99 कहाँ पहुँचाओगे, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू बच्चों क्या रखती हूँ, क्या रखती हूँ मैं 80 रखती हूँ, क्या रखती हूँ बच्चों 80 भी बड़ी हो जाएगी, क्या रखते हैं, चलो 60 रख लो, ठीक है, क्या रखोगे 60। तो y बच्चों 100 में से 60 गया तो बच्चा कितना 40, ठीक है। एक तो ये आ गया, दूसरा ले लेते हैं, मान लो x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 50, तो y भी बच्चों कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक और ले लेते हैं, x की वैल्यू मान लो मैंने ले ली बच्चों, कितनी ले ली 70 ले ली, ठीक है, कितनी ली 70, तो y कितना आ जाएगा बच्चों 30 आना है, कितना आ जाएगा 30। अब ये तो आपको काम नहीं करना है कि 1 से लेके 70 तक लाइन ड्रॉ करोगे, इसके बीच में बच्चों गैप लेना है, क्या लेना है गैप, देखो 10-10 का गैप ले लो, किस किस का 10-10 का, 5-5 का गैप भी ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक है बच्चों हाईएस्ट 70 तक है, 70 तक है, ठीक है। ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 10, 20, 30, 40, ठीक है। वाई कितना है, वाई 50 तक है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया 50, ठीक है। अब ज़रा देखो, ये आ गया 10, -10, -20, -30, -40 और माइनस का 50, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, -10, -20, -30, -40, -50, क्लियर। यहाँ 70 भी ले लो, ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो इसमें पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है, कर दो। सबसे पहले x60 है, y40, x60 y40, x60 है ना, y40 कहाँ पर आएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x पे 50 और y भी 50, x भी बच्चे कितना है 50 और y भी कितना है 50, तो आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है x70 और y30, x70 है और y बच्चों हमारा 30 है, तो 70 और 30 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं पॉइंट, क्या है बच्चों x40 और x60 y40, सो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा y भी 50 और ये भी 50, यहाँ पर आ जाएगा 30 में, ठीक है। जब हमने स्ट्रेट लाइन बनाया तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। सो ये बन गई बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, x प्लस वाई इक्वल में कितना आ गया 100, ठीक है, बिल्कुल क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसमें और भी पॉइंट्स लोगे, और भी पॉइंट्स बन जाएंगे, वो हमेशा क्या होगी लाइन ड्रॉ ही होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी हमेशा, ठीक है। चलो सो बच्चों यही थे बच्चों हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म, ठीक है।
सो ये था बच्चों हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट, कैसे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं बच्चों, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।